हामीले आफै आफैलाई एउटा परिचय सार्छौँ, लेट्स हैव एन इन्ट्रोडक्सन सेसन। सो म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूले आफू आफू जुन चाहिँ यो पार्टीको पोर्टफोलियो छ भने पार्टीको ट्रेड फ्रन्टियरको पोर्टफोलियोबाट तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो परिचय सार्नुहुन्छ त अनुरोध गर्दछु। र मबाटै सुरु गर्छु, म स्वयं एनबी खवास, म हिल तृणमूल कङ्ग्रेस एआइटिसी दार्जिलिङ हिल्सका स्पोर्ट्स पर्सन एवं इधरका कोअर्डिनेटर भी। और जो ट्रेड युनियन बना है इन लोगों ने जबरदस्त हमको डाला है जनरल सेक्रेटरी करने के लिए, तो हम जनरल सेक्रेटरी होते थे। हमें दीपक प्रधान हिल तृणमूल कांग्रेस मैंने भारतीय संगठन चा बगान श्रमिक यूनियन नवनिर्वाचित हमी मैंने आवाज के पार्टी अध्यक्ष रूप से मनोनीत कर एसके राई जोरबंग सुकिया प्रोजेक्ट ब्लॉक प्रेसिडेंट पार्टी प्रेसिडेंट। नमस्कार मैडम, हम मेरी लोकलिटी से सेंट्रल कमिटी वाइस प्रेसिडेंट। नमस्कार, हम अजय गुप्ता दार्जिलिंग सब डिविजन सब डिविजन कमिटी वाइस प्रेसिडेंट। नमस्कार, म विजयबारी ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी ट्रेड यूनियन एग्जीक्यूटिव मेंबर। मैडम जो आज यहाँ पे जितना भी वो मीटिंग है उसका बारे में थोड़ा बता दीजिए ना। एक बहुत छोटा सा एक इन हाउस हमारे तृणमूल कांग्रेस की ट्रेड यूनियन विंग की चाय बागान में हिल्स में चाय बागान की ट्रेड यूनियन के लिए एक छोटा सा इन हाउस मीटिंग था। इधर एक प्रपोजल आया हिमालयन टी वर्कर्स यूनियन को रजिस्टर किया जाए और इसको लेकर चाय बागान में ट्रेड यूनियन किया जाए, तो इन हाउस इस डिस्कशन में हम बहुत सारे मुद्दे को लेकर डिस्कस किए हैं। तीन चार हम आपको बोलते हैं। पहले हमने ये तैयार किया कि डिस्कस किया कि सीपीएम जमाने में हम देखते थे कभी 34 साल में मिनिमम वेज का बात उन्होंने नहीं उठाया, और उन्होंने सिर्फ नहीं कोई INTUC BMS वाले भी नहीं उठाया। CPM कांग्रेस बीजेपी किसी का ये एजेंडा नहीं था, कोई वेरिएबल DRS अलाइवेंस का भी एजेंडा नहीं था विधेयक का। अभी ममता जी ने आके 16 साल में मिनिमम वेज चाय बागान का मजदूर को मिल जाए, इसीलिए कमिटी बनाया, बोर्ड बनाया, उसका डिस्कशन चल रहा है। जल्द से जल्द वो डिस्कशन खत्म होने वाला है और चाय बागान मजदूर को ममता जी के जमाने में ही मिनिमम वेज मिलना है। ये डिस्कशन हुआ इधर, जो अपडेट्स है वो कमिटी में हम भी है, उसका अपडेट्स हमने इधर बताया। और ये बात भी इधर आया कि दानकान को लेकर 14 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कमिट किया था पब्लिक मीटिंग में, और उसके बाद इंडस्ट्री मिनिस्टर बन के निर्मला सीतारमन जी जो आज अर्थमंत्री वित्त मंत्री है, उन्होंने जो कमिट किया था वो कमिटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से उन्होंने नहीं उठाया, नहीं निभाया, नहीं तो डानकान टी गार्डन इतना दिन तक उनका कमिटमेंट के ऊपर टेक ओवर करके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सॉल्यूशन हो जाता। जैसे 13 टी गार्डन इधर था, स्टेट गवर्नमेंट के CPM जमाने में बंद था, ममता जी ने टेक ओवर करके उनका वर्कर्स को स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में डाल दिया ताकि उन्होंने सर्वाइव कर सके। ऐसे किसी भी सॉल्यूशन डानकान के बारे में कमिटमेंट करने का बाद भी मोदी जी और निर्मला सीतारमन जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया। इसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ डानकान को लेकर मूवमेंट करेंगे, ये बात भी इधर उधर हुआ। और पट्टा के बारे में ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, ममता जी ने पहले मुख्यमंत्री जी जिन्होंने कमिट किया, जिन्होंने पॉलिसी डिसीजन कर लिया स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, जैसे उन्होंने हाउसिंग देने के लिए कोशिश में है वैसे ही पट्टा देने के लिए भी उन्होंने पॉलिसी डिसीजन किया स्टेट गवर्नमेंट की ओर से। लेकिन हाउसिंग देने में एक प्रॉब्लम आता, मैनेजमेंट की तरफ से कोई NOC नहीं मिलता, ये बात हम टेकअप करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, टी डायरेक्टरेट ने, DM साहब ने, CM की ओर से देख लेंगे ताकि मैनेजमेंट ने ये
एनओसी लेकर कोई बहाना ना कर सके, और वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की साथ हम टेकअप करेंगे और मूवमेंट भी करेंगे ताकि कॉन्करेंस लिस्ट में जो है उसका कॉन्सेंट की जरूरत है ताकि वो मिल जाए, और ममता जी की सरकार की ओर से ये पट्टा देने का जो पॉलिसी डिसीजन वो लागू किया जाए। ऐसे ही ममता जी की तरफ से सीपीएम जमाने में हम कभी नहीं देखा जो कैश कंपोनेंट में था, जो मैनेजमेंट को देने का था, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, चाहे वो फ्यूएल हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे वो जो कोई भी हो, कैश कंपोनेंट बहुत कम था। 67-68 तनख्वाह मिलता था, वो अभी मिनिमम वेज का बोर्ड ही सिर्फ नहीं बना ममता जी की जमाने में, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ट्राइपार्टाइट डिस्कस करके मिनिमम अभी जो वेज सीपीएम जमाने में 67-68 था वो अभी 176 है। बहुत बड़ा, लेकिन और भी बढ़ना चाहिए। मिनिमम वेज बोर्ड का जो डिस्कशन चल रहा है वो खत्म होने से वो भी मिल जाएगा। ये बोर्ड भी ममता जी की टाइम ही हुआ, उसके पहले किसी ने नहीं किया। सीपीएम ने सीपीएम का टाइम में मिनिमम वेज का बात ही नहीं उठा। और जो काइंड कंपोनेंट है जिसके बाद में मैंने बताया, वो फूड ग्रेन्स लेके लेकर मेडिकल फैसिलिटी तक, उसके बारे में भी ममता जी की तरफ से डिसीशन हुआ। पिछले 9 साल से चल रहा है पॉलिसी डिसीजन है स्टेट गवर्नमेंट की कि काइंड कंपोनेंट मैनेजमेंट की तरफ से दिया जाए या नहीं दिया जाए। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ममता जी ने सबको पहले 2 रुपया में और क्लोज टी गार्डन में फ्री में, और अभी पैंडेमिक टाइम में, कोरोना कोविड टाइम में सबको फ्री रेशन देने की घोषणा सिर्फ नहीं की, सबको मिल रहा है फ्री रेशन। और सिर्फ वही नहीं, मिड डे मील में सबको ठीक से, बच्चों को, चाय बागान के बच्चों को सबको ठीक ठीक खाना मिल जाए, ठीक ठीक बॉयल्ड अंडा मिल जाए। ममता जी की तरफ से कंसर्न डिपार्टमेंट को निर्देश दिया। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को, विशुद्ध पानीय जल के बारे में पीएचई डिपार्टमेंट को, सबको ड्रिंकिंग वाटर ठीक ढंग से मिल जाए, सबको हाउसिंग मिल जाए, मैनेजमेंट दे या ना दे काइंड कंपोनेंट में, ममता जी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो पंचायत डिपार्टमेंट हो, चाहे पीएचई डिपार्टमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो, चाहे वीमेन चाइल्ड एंड सोशल रिफॉर्म डिपार्टमेंट हो, चाहे फूड डिपार्टमेंट हो, ममता जी की तरफ से हमारे स्टेट गवर्नमेंट सारे के सारे चाय बागान की मजदूर के पक्ष में है। उसके खाने के लेकर पहनने तक, मिड डे मील को लेकर हॉस्पिटल फैसिलिटी के तक, ईएसआई हॉस्पिटल भी बन रहा है नज़दीक में, उधर भी चाय बागान के मजदूर को मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, ये भी कॉन्करेंट लिस्ट में है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके मूवमेंट कर रहे हैं, उधर हमने टेकअप किया कि प्लांटेशन एक्ट में थोड़ा बहुत अमेंड करके ये ईएसआई फैसिलिटी चाय बागान के मजदूर को मिलने का कॉन्सेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से आ जाने से, ये ईएसआई हॉस्पिटल जो ममता जी की ओर से 500 करोड़ रुपए से बन रहा है, उधर सबको फैसिलिटी मिलेगा फ्री सबको। ऐसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलता है, ईएसआई हॉस्पिटल मजदूर के अपने हॉस्पिटल है, उधर भी मिलेगा। ऐसे ममता जी अपने आप और हमारे स्टेट गवर्नमेंट चाय बागान की मजदूर की पक्ष में रहना चाहते हैं, और हमारी पार्टी की ओर से ये हिमालयन टी वर्कर्स यूनियन ये करना चाहते हैं। हिल्स की हमारे जो भाइयों हैं, बहनें हैं, चाय बागान में जो यूनियन ये करना चाहते हैं, ये दूसरी दो तरफ की काज करेंगे, काम करेंगे आगे। एक वर्कर्स की कौन कौन बागान में पीएफ नहीं मिलता, कौन कौन बागान में ग्रेच्युटी में प्रॉब्लम है, कौन कौन बागान में फ्री रेशन जो गवर्नमेंट से मिलना है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, किधर से हाउसिंग का एनओसी नहीं आ रहा है, ये सब टेकअप करके कहे लेबर डिपार्टमेंट से, नहीं तो टी डायरेक्टरेट से, नहीं तो डीएम से टेकअप करेंगे, और ताकि ममता जी के अनाउंसमेंट मुताबिक, पॉलिसी मुताबिक, गवर्नमेंट की पॉलिसी मुताबिक हर मजदूर को सब फैसिलिटी मिल जाए, ये तय करेंगे। और दूसरी ओर ममता जी की तरफ से जो जो फैसिलिटी
देने की कोशिश में वो जारी है, वो सब मजदूर की घर घर पहुंच जाए, इसके लिए भी कैटलिस्टिक रोल में हमारे ये यूनियन आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा बहुत हमने चर्चा किया इन हाउस बैठ के कार्यकर्ता को लेकर। इधर हमारे शांता छेत्री जी जो टी बोर्ड में टी डायरेक्टरेट में है, वो हमारे ऑनरेबल एमपी है, वो हमारे मीटिंग में थे। और हमारे अरूप रतन घोष जो दार्जिलिंग जिला की आईएनटीटीसी प्रेसिडेंट है, वो भी थे। खवास भाई थे, दीपक प्रधान जी थे, मिलन दुप्पा जी थे, बहुत सारे थे हम कार्यकर्ता लोग। ये हिल में चाय बगान की यूनियन तिरमूल की ओर से आगे बढ़े, इसके लिए थोड़ा बहुत चर्चा किया और आगे इसी चर्चा के मुताबिक हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। और इधर का वर्कर्स लोग अगर इसको आगे लेकर आगे बढ़ेंगे तो हम हमारी तरफ से हमारी जितना हो सके हम इसके पास में रहेंगे। और जो जो कैटलिस्टिक रोल हमको करना है, ममता जी जो जो पॉलिसी डिसीजन किया ताकि वो सब मजदूर के घर घर पहुंच जाए, इसके लिए हम हमारे भूमिका को निभाएंगे। ये तय हुआ, छोटा सा इन हाउस मीटिंग का, एक दो घंटा का मीटिंग था, यही हमारा निजाश है।